बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, 600 दरब में आप वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। लेकिन पहले आपको ये बताता चले कि ये जो नया कानून आया है वीज़ा चेंज का, ये कोई नया कानून नहीं है, ये पुराना कानून बहाल हुआ है, जो कि कोरोना से पहले आपको जब आपका विज़ा खलास होता तो आपने यूएई छोड़कर आपने वीज़ा चेंज करवाना होता था। कोरोना की वजह से चूँकि ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल था तो हुकूमत ने आसानी पैदा की थी। अब चूँकि हालात दोबारा नॉर्मल हो चुके हैं तो इसलिए हुकूमत ने दोबारा पुराना कानून ही बहाल किया है, जिसमें आपका विज़ा जब खलास हो जाए तो आपने यूएई छोड़ के वीज़ा चेंज करवाना होता है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि आप इसको कम पैसों में भी करवा सकते हैं, यानी आप बाई बस यहाँ से ओमान जाके आप कम पैसों में भी करवा सकते हैं। और एक और बात कि आप अगर ट्रेवल नहीं करना चाहते, इमारात्स में रह के ही आप अपना वीज़ा चेंज करवाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको आपका ख़र्चा ज़्यादा आएगा। आप 1500 से 2000 के दरमियान एक आप दुबई के अंदर रह के बग़ैर ट्रेवल करके आप वीज़ा चेंज करवा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ दुबई वालों के लिए है जिनका विजिट वीज़ा दुबई का हो। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास बजट कम है तो आप बाय बस कम पैसों में भी करवा सकते हैं, 600 से लेके 1000 दरम के दरमियान। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप किसी और वजह से ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं, आपकी फैमिली है या कोई और वजह है, तो आप ज़्यादा पैसा खर्च करके दुबई में रह के बग़ैर ट्रेवल के ही आप वीज़ा चेंज करवा सकते हैं।